और फिलहाल मम्मी जो है कुछ लाई हुई है हमारे नानी घर से, बना रहे हैं बबुआ का खिलौना है। यह दादी लाई है जी, तो देख सकते हैं दादी। वाह, आज है जी अष्टमी पूजा और आज जो है अष्टमी पूजा को जो है मम्मी पापा निकलने वाले हैं हमारी नानी घर की तरफ। जाना तो हमें भी था लेकिन नहीं हो पाया जाना किसी कारणवश। हमें और जिया को जो है घर पर ही रहना है। जो भी पहले से ब्लॉग देखते आए होंगे उनको पता होगा हम बार बार ये मेंशन करते रहते हैं घर अकेला छोड़ना जो है हम लोग के साइड सेफ नहीं रहता है। जैसे ही घर अकेला रहता है चोरी हो जाती है कुछ ना कुछ, तो इसलिए घर में जो है कम से कम एक आदमी का रहना जरूरी है। जिया को अकेले छोड़ देते वह पॉसिबल है नहीं क्योंकि क्रियांश है साथ में, तो अकेले क्रियांश को संभालना मतलब आसान नहीं है। तो इसीलिए हम रहेंगे ही और मम्मी पापा जो है आज निकल रहे हैं और निकलने से पहले जो है पूजा करना है उनको, उसके लिए हम लेने आए हैं धुबरी। हम लोग बोलते हैं धुबरी मतलब जी वह नन्हा सा घास, तो एक जगह लगा हुआ है निकलते हैं। इसमें धुबरी हुआ करता था लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है, उसको छोटा छोटा है। चलिए यही ले लेते हैं। दीदी ये लो धुबरी, मिल गया बस इतना ही था। माँ कर रही है जी पूजा, प्रसाद को अभी चढ़ाया जाएगा। प्रसाद डाली चढ़ा चुके हैं लेकिन जब तक जगह ही नहीं तब तक तुम लोग को नहीं। हाँ, और क्रियांश भी अभी तक नंगा है। हाँ, नंगा, उसके कपड़े को जगाया जाएगा। इसीलिए सब पहले अब जगा देते हैं भगवती को, भगवान भोलेनाथ जो भी हमारे इष्ट हैं सब जगह। उसके बाद फिर पहनाया जाएगा कपड़ा। इसको तो भगवान को पूजा करना। हम लोग यहाँ परंपरा है तो जो भी नया चीज दिया जाता है उसको जगा के दिया जाता है। पहले तो पूरा परिवार हम लोग कपड़ा लेते थे लेकिन अभी छठ करने लगे तो आप सोचते हैं छठ में ही लेंगे, लेकिन पोता तो सबसे छोटा है तो सिर्फ पोता को दिया गया, इसलिए पोता का कपड़ा माता और भगवान भोलेनाथ या जो भी भगवान हमारे हैं सबके चरण में हाजिर कर दिए ताकि बच्चा चिरंजीवी रहे। अच्छा। और मैं संसार के सभी माँ बाप के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सबका अरमान पूरे और सब इसी तरह पर्व मनाए। प्याली चीज माई पापा को देते हुए मैं ये अभी सोया हुआ था अभी और उठ गया है। अच्छा, ड्रेस पहनते समय जो उठ गया है। तो यहाँ पे मैं खोइछा ले रहे हैं। हाँ, खोइछा दे भगवती को क्योंकि अष्टमी है शाम तक, हो सकता है वहाँ पहुँचने में हमको विलम्ब हो जाए तो पहले अष्टमी में ही बांध लेते हैं खोइछा। हाँ। वहाँ जा करके शाम किसी समय जिसमें पहुँचेंगे माता के चरण समर्पित कर देंगे मंदिर। हाँ। नियम यही है अष्टमी में दिया जाए। क्रियांश के कपड़े को जो है अब जगा दिया गया है और अब क्रियांश तैयार है कपड़ा पहनने के लिए। फिलहाल तो नंगू है, हंस रहा है। नंगू है तुम, नंगू है तुम, ऐसे मत बोलो। नहीं 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 कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? अभी चुटकी में तैयार होगा। पहले आदमी सब नंगा ही रहता था ना, आदि मानव सब, क्या दिक्कत है? बोलो, मैं पहले का पुराने जमाने में लौट गए। ये रहा जी पिठार, मम्मी को चाहिए तो लेकर के चलते हैं। देवता को जगाना। अच्छा, भी अगले साल तो जगे रहेंगे हम लोग के लिए। हुँ. फिर उनकी दया होगी फिर अगला साल हम लोग फिर जगे लागे ना। माता लग सुटा गाड़ी में तो प्रसाद ले सकते हो। हाँ, ले जाओ प्रसाद, डलिए उठा रुको, डलिया लेके चलना। फ्रिज चिट्ठी लगने लगा। हाँ, इसलिए उसको उठाओ। ये भी लग रहा है ना, सब देते हैं जो छोटा है। इतना बड़ा दीदी की छोटा होने का नाम है ना, बड़का दीदी की बहुत बका हो गया। हाँ, बोले ये जींस है हाजिल के ताकर आवाज चल रही है ना। सो के उठता तो बोलता है मेरी दादी किधर गई, चलो नीचे चलो नीचे, जैसे भागता है नीचे तुरंत। दादी तो चली जाती दादी चेहरा। मम्मी पापा जी तैयार है अब यहाँ से विदा होने के लिए और जिया जो है अभी क्रियांश को लेकर के आ रही है। जाने से पहले एक बार पोता को मम्मी देख लेना चाहती है। पोता मेरा गले का हार। अच्छा, पोता मेरा गले का हार। कोई नहीं, आ रहा है तुम्हारा गले का हार। पोता मेरा हार बोलो दादी, जल्दी आना। पहले पति के लिए जीते थे तो बेटा के लिए, अब पोता के लिए। कमाइए और हम लोग को दीजिए, हम लोग बहुत दिए, कितना देंगे। ईश्वर से प्रार्थना है बाल बच्चा अपना जिम्मेदारी संभाल ले। घूमने का टल्ली मारने की दादा दादी साथ में वहाँ जा रहे कहीं। भगवान करेंगे तो हमेशा जाते रहेगा, देश विदेश जाएगा, अभी तो लोकल में जाते, देश विदेश जाएगा। गाड़ी खरीदने का औकात ईश्वर मुझे भी प्रदान किए थे,
लेकिन मैं नहीं खरीदी, बच्चों को बनाने में आज अपार खुशी होती है। हमारा बेटा गाड़ी खरीदा जिससे हम अपने मायके सफर करने के लिए जा रहे हैं। हजार लाख करोड़ों बार ईश्वर के चरण में धन्यवाद, और हर माँ को नसीब। चले गए दादा दादी, अब क्या घर के लिए ड्रेस पहना, किसको ले आने? चले गए आपको। One hour later. दीदी डैडी तो चले गए जी, उसके बाद जो हमारा अब नहाना हो गया है, क्रियान सब सो रहा है, और उधर जो है जिया खाना लगा रही है क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगी है। पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, अब बारी है खाना खाने की। करेला खाइएगा? करेला बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खा पाएंगे, थोड़ा सा खाना चाहिए। हाँ वो सही बात है, और उसके बाद जो है परवल का भुजिया। हाँ चलो ये चलेगा, ये जितना डाल सकते हो उतना खा लेंगे। और यहाँ पर हो रहा है जी दाल गर्म, और हमें जो है ठंडा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब भी बैठते हैं तो एक बार दाल सब्जी जरूर गर्म कर लेते हैं। कोई नहीं देता है तो खुद से भी कर लेते हैं ना? बिल्कुल। 20 मिनट्स लेटर। क्या हमने बड़े पापा से बात कर रहा है? घूमेगा विशाखापट्टनम में? हाँ घूमेगा। The next day. तो आज है जी दसवीं, तो दसवीं का मेला हम लोग को देखने भी जाना है, और जो पूजा है घर में कर चुके हैं, और वैसे जाकर के पहले मंदिर में पूजा करेंगे। और मम्मी पापा जो है बाहर निकले हुए थे, मम्मी पापा भी जो है आज आ जाएंगे। जिया भी यहाँ तैयार हो गई है, और क्रियांश भी इधर तैयार है, लेकिन क्रियांश अभी सो रहा है, तो इसको भी लेकर के जाना है। एक टॉवेल ले लो जिया, उस टॉवेल में इसको लपेट लो और निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लग गई है। सोचे हैं कि जब तक मंदिर नहीं जाएंगे खाना नहीं खाना है, क्योंकि आज दशहरा है। दशहरा है बिल्कुल। पहुँच गए जी दुर्गा स्थान, जिया अंदर चली गई है, हम भी चलते हैं, चल करके पैर धोते हैं और चलते हैं मंदिर। क्या हुआ? प्रसाद ले ले। सबसे बात करता है, ले लेते हैं। अभी बज रहे थे शाम के 5, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ सब्जी लाना है। और साथ में क्रियांश जो है कुछ देर पहले ही सो करके उठ गया है, या सोया हुआ था, इसको फिर से सुलाने का कोशिश की, लेकिन हमको स्मेल देने लगा, तो समझ गए कि भाई साहब का अब जो है। हमको सबसे अच्छा क्या लगता है इसका, जब ये सो के उठता है इतना प्यारा से स्माइल लेके उठता है ना, मतलब देख के एकदम मन खुश हो जाता है। अब इसकी आंटी दादी को कॉल लगा रहे हैं, इसकी आंटी दादी 2 बार कॉल की थी जब ये सोया था। अच्छा समझे क्रियांश, अभी उठा नहीं रही है तुम्हारी दादी कॉल। ठीक है हम चल रहे हैं मार्केट फिर। अब ये आलू तो सही नहीं लग रहा जी। आलू कैसे है? 2.5 किलो कर दीजिए। आलू तो हमने ले लिया जी, और बाकी कुछ पूछा जिया को फोन करके कि कुछ और भी लेना है तो बता दो, तो जिया बोली नहीं अभी किसी और सब्जी की जरूरत नहीं है, बाकी सारी सब्जी है। तो अब सीधा चलते हैं घर, अपने काम धाम पर लगते हैं। मार्केट से आके जी घर, और जैसे ही घर आए पता चला कि एक और चीज लाना था जो हम भूल गए, तो वो जा करके जो है बगल से लेते आते हैं, पास में ही दुकान है। चलिए जी यहाँ ले लिया हमने सब्जी मसाला, और अब सीधा चलते हैं घर। मौसम तो आज थोड़ा ठीक है, गर्मी उतनी तेज नहीं है, और कल जो बारिश हुई है पूछिए मत कितनी खतरनाक बारिश हुई है, तो आज बारिश से राहत मिली है। आज है दसवीं, तो बहुत सारे लोग जो है मेला देख पाएंगे, और जो बेचारे स्टॉल वाले थे उन सब पर मुझे दया आ रहा था, जिन्होंने झूला लगा रखा था, जिन्होंने तरह तरह का सामान बेचने के लिए स्टॉल लगा रखा था, कि उनका क्या होगा जब बारिश इस तरह से होते रहे। तो मेरी मम्मी बता रही थी कि नानी घर में वो सब रो रहे थे दुकानदार सब, कि ऐसा जो हो रहा है। फेस्टिवल का टाइम ही होता है जब उन लोगों की जो है थोड़ी बहुत कमाई होती है, और ऐसे समय में अचानक से बारिश हो जाए तो समझ सकते हैं जी कितना ज्यादा नुकसान होगा उनका। तो चलिए अच्छा है, इंद्र देवता जो है कृपा बरसाए हैं, और अभी जो है बारिश नहीं हो रही है। फिलहाल हम पहुंच गए हैं घर, और यहाँ पर जो है सोफे का यह क्या हालत हो रखा है, शिवपाल का बेडरूम है। वाह, ओए 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 क्रियांश, क्रियांश ओए एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज, चलो देखिए ये कैसे करता है।
इसको पकड़ लिया, चल पकड़ इसको, तुम्हारा नहीं पकड़ेगा अभी, आजकल शैतानी सीखा है। देखा खड़ा हो गया, दोनों हाथ मेरा ऐसे संभल के छोड़ना देख अभी। The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9 और मम्मी और पापा जो है दोनों आ चुके हैं और हमारे किशन भैया जो है वो अभी पटना पहुंच चुके हैं, वहां से उनका विशाखापट्टनम का ट्रेन है। अभी रेलवे के लॉज में ठहरे हुए हैं, रेलवे के लॉज में ठहरे हुए हैं वह, क्योंकि वह पटना पहुंच गए थे सुबह के 7 बजे ही और ट्रेन जो है दोपहर के 2 बजे है, तो बीच का जो समय बिताना था तो रेलवे में लॉज मिल जाता है, तो वहाँ उनको मिल गया है। और फिलहाल मम्मी जो है कुछ लाई हुई है हमारे नानी घर से, बना रहे हैं बबुआ का खिलौना है। अच्छा, कच्चू पत्ता ही है? कच्चू पत्ता है, उसने से मेरी बहन दी है, तो पत्ता का कोई महत्व तो नहीं है, कि जिस समय वो दे रही थी उस समय उसका हम एक्टिविटीज देख करके हम समझ रहे थे कि इसमें कितना स्नेह छिपा हुआ। बिल्कुल, और जो कच्चू के पत्ता का कचरी होता है वह भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है, उसको बना रहे हैं। मेरा बेटा को बचपन से बहुत पसंद है, मेरे यहाँ भी इसका पेड़ था लेकिन वह पता नहीं घर बनने में लगता है नहीं, पीछे पेड़ है लेकिन हमको जाने में डर लगता है क्योंकि जब एक बार गए थे तो वहाँ सांप देख लिए थे हम। अभी जो है तो आभा के यहाँ था ट्यूबवेल के अगल बगल, तो हम बोले जिया को पसंद है, तिलकोर नहीं था वहाँ पर नहीं, वो बहुत है लेकिन फूल बहुत है, फूल बहुत है, अच्छा सब कुछ है ना। और आने समय मतलब उसको लगा जो दीदी अब जा रही है, इसका अपना जो भगवती के दरबार में जो मानी थी 30 साल बुरा हो चुका है, शायद अब दीदी नहीं आएगी, कि तुमको लगता है कि जो खून का रिश्ता है वह भगवान के का ही दिया हुआ एक बंधन है। बिल्कुल, तो उसको पूरा नहीं जा सकता है, जो पति पर निर्लज है वही ब्लड का रिश्ता शुरू होगा। तो जी अभी जा रहे हैं पास के दुकान, यहाँ जो कचरी बन रहा है इसके लिए जो है बेसन की जरूरत होगी, तो बेसन जाकर के लेकर के आ जाते हैं क्योंकि बेसन जो है घर में अभी कम हो गया है। जल्दी से लाओ मेरी बहन का दिया हुआ पत्ता का अच्छा सब्जी। बिल्कुल, वैसे हमको ये अच्छा भी लगता है बहुत, चलते हैं। और यहाँ क्रियांश का हो रहा है मालिश, मालिश हो रहा है क्रियांश का, कैमरा है ना शांत हो जाएगा एकदम, कैमरा के आगे एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है, सीधा बच्चा बन जाता है ये। हाँ, तो हमने ले लिया जी बेसन और सीधा अब चलते हैं घर। अच्छा है जी, मौसम थोड़ा सही है, वरना धूप पे निकलने में थोड़ा सा असकट लगता है, लेकिन अभी जो है मौसम थोड़ा ठीक है। ये ले लो बेसन, ये बेसन यहाँ हो गया इसका मालिश, हो गया। और ये क्या है दीदी? ये हम जब आ रहे थे, इसकी दादी है ना छोटी वाली मेरी बहन, अच्छा अब मौसी वही दी थी अपने पोता के लिए। अच्छा, तो देखे अभी क्या क्या झोला में दिया, यह दादी लाई है जी, तो देख सकते हैं दादी है जी, दूसरों का उसमें वाह। यह है जी मेला से लाया हुआ, और क्या क्या है? वाह, और गदा है यह? अच्छा, और ये दूसरा गदा है अलग तरह का, वाह खूब खिलौना मिल गया इसको, खिलौना सब बस ट्रक ही सब दे रहा था। हाँ, हम बोले कि अभी इतना छोटा है वो सबसे खेलने लायक नहीं है, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे खिलौना में परिवर्तन होगा। खिलौना से खेलेगा और अपनी गाड़ी को याद करेगा।